इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, हर आइटम 99 रुपीस में। बेगम बाजार, थर्ड फ्लोर, अजीज। पुराने शहर के पंजेशा के एरिया में जो कि गैस सिलेंडरों में जो फिलिंग करते हैं, वहाँ पर सिलेंडर बिट होने की वजह से तकरीबन 7 लोग इसके विश होते कि इसकी सिलेंडरों की लपेट में आए, आकर इसकी चिल्ला सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरश रसदुद्दीन ओवैसी साहब को देसी मिली। उस्मानिया के सुप्रिटेंडेंट साहब हो या आरएमओ साहब हो, उनसे सदर मोहतरम ने बात की और मुझे और हमारे कॉरपोरेटर शासीपुरम जनाब मुबीन साहब को फौरी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के लिए सदर मोहतरम ने रवाना किया। हमने यहाँ पर आए, आकर जो कि बर्निंग का जो वार्ड है यहाँ पर, वार्ड में जाकर लोग से मिले और उसमें 7 जने हैं, जिसमें से 5 जने 30%, 5 जने 50%, 60%, 70% जल चुके हैं दुकान। उन लोग से भी हमने पूरे डिटेल्स, हमें हिदायत की सदर मोहतरम के डॉक्टर से पूरा डिटेल रिपोर्ट देना बोल के, हमने पूरे डिटेल रिपोर्ट दिए और आरएमओ रफी साहब से भी मिले जाकर वहाँ पर, उनसे भी बात किए और इलाज करने के लिए जो सदर मोहतरम ने हमें बोलने के लिए कहा है वो बात भी हम आरएमओ साहब को बोले। तो मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह ये लोग को जल्द से जल्द सेहत दे, जो कि इसमें 2 हिंदू भाई भी हैं और 5 मुस्लिम भाई है, इन लोग को पूरों को जल्द से जल्द अच्छा रिकवरी होने के लिए सदर मोहतरम ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी बात की है और मुबीन साहब और मैं मिलकर भी आरएमओ साहब के ऊपर भी हम ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द अच्छे दवाएँ मेडिसिन देकर रिकवरी करने के लिए। और ये बर्निंग हुआ है वहाँ पर, कुछ लोग आजू बाजू भी ठहरे हुए थे, इसकी लपेट में आ चुके हैं, तो तकरीबन 7 जने इसमें सीरियस जो लोग हैं वो लोग उस्मानिया हॉस्पिटल में हैं और इसकी डिटेल रिपोर्ट पूरी सदर मोहतरम नकवी मिलत अलहाज बैरश रसदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी। और मंजी सत्याहत मुफीमिन एक ऐसी जमात है आवाम के दरमियान में 24 घंटे रहती है और अभी इस वक्त दोपहर में जैसा वाक़ा होते ही सदर मोहतरम ने आला डॉक्टरों से भी बात की है, सुप्रिटेंडेंट से भी बात की, आरएमओ से भी बात की है, हमें भी
और ये आप जाइए स्पॉट पर बोल के रवाना किए। हमने यहाँ पर हॉस्पिटल को आए हैं और मंजू से क्या दिल्ली हमेशा आवाम के बुरे वक्त में साथ रहती है। आज जो 7 जनों को जो ये हादसा हुआ है उनके अफराद ख़ानदान के साथ और उनके जो जो लोग जो जख्मी हुए हैं उनके साथ भी मंजू से क्या दिल्ली बराबर उनको इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को प्रेशर डालेगी। और जल्द से जल्द मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ये लोग को सेहत और आफियत। ये कितने बजे हुआ सब वाकया? ये दिन में दोपहर में हुआ था वाकया। किसी के जाने नुकसान कुछ किसी डेड हुआ गया था? जाने नुकसान नहीं हुआ मगर जब ये सिलेंडर बस्ट हुआ आजू बाजू जो लोग थे वो लोग भी इसमें लपेट में आ गए। तो वहाँ गैस भरते थे क्या साहब? वहाँ पे ये लीकेज हुआ कैसा? वहाँ पे वो गैस भरने का फिलिंग स्टेशन था। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर ऑल इन वन, हर आइटम 99 रुपीस में, बेगम बाजार थर्ड फ्लोर अजीज प्लाजा। पूरा सेटअप यहाँ पर ही है।